कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मौसी हमारा घर में ही है अभी, गेट के पास देखिए। अभी हम दोनों जाएंगे मेरापानी में, मेरापानी में डीलर है, TVS डीलर, वहाँ पे कुछ काम है मौसी का, तो हम मुझे बुलाए हैं साथ जाने के लिए। गाड़ी अभी मैं चलाऊंगा, नहीं तो मौसी गाड़ी चलाएगा तो बहुत देर होगा, अभी इसलिए जाता हूँ जितना हो सके जल्दी जल्दी। तो आप लोग चलिए, जाता हूँ अभी मेरा पानी में, मिलूँगा आप लोग को मेरा पानी में। तो आप लोग देखिए रोड का नज़ारा। सो हमने भेतिनी पहुँच चुका हूँ, अभी जाऊँगा। ये रोड जाता है गोमारी टॉक, और पीछे में है आमगुड़ी टॉक। देखिए डांगोड़ी लेने के लिए कितना लोग इस पे आया हुआ है, सभी लोग। अभी हमने नादनसुख पहुंच गया हूँ, ये है नादनसुख। यहाँ पे राग ऐसा वगैरह वगैरह होता है यहाँ पे। हमारा घर से मैपनी तो 12 किलोमीटर। ये कितना प्यारे प्यारे बकरी का बच्चा देखिए। तो रोड देखिए कैसा है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। अभी तो पीछे में मेरा ठेला नहीं है, इसलिए हम थोड़ा तेज आ पा रहा हूँ। जब पीछे में ठेला होता है ना, अभी हम इतना स्पीड पे जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम ठेला में बहुत सारा वेट होता है, 3 क्विंटल 4 क्विंटल ऐसा, बहुत सारा धान लग रहा है, बहुत सारा, क्या बताऊँ आप लोग को, बहुत सारा। अभी सन भी नहीं निकला है। अभी कुछ दूर है गोमारी तक, तो हम गोमारी पहुंचने वाला हूँ। तो इस रोड से भी हम जा सकते हैं, इस रोड से हम नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा ख़राब है इस रोड, हम मेन रोड से जाएंगे। तो अभी हम गोमारी पहुंच चुका हूँ, यही है गोमारी। तो देखिए लोग यहाँ पे आया हुआ है कुछ काम की वजह से, सभी कुछ। तो अभी हम जाएंगे राइट से, तो राइट से जाएंगे तो हमको मिलेगा मेरापानी, और लेफ्ट से जाएंगे हमको मिलेगा गोलाघाट। तो अभी जा रहा हूँ, ये अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो कल क्या होगा, पूरा यहाँ पे सब्जी ऐसा वगैरह, केला जितना भी है, पान तामूल व्यापारी लोग यहाँ पे जमा होगा। तो हम क्या है, यहाँ पर ही हम केला रखता हूँ ज़्यादातर यहाँ पे, ये यहाँ पे केला का बाज़ार होता है। तो ये है ड्राइंग हाई स्कूल, मैंने यहाँ पे पढ़ के गया हूँ 3 साल यहाँ पे। गाड़ी को मुझे लगता है चला के मुझे पता चलता है कि इसको अभी तक सर्विसिंग नहीं किया है, अभी इसको सर्विसिंग करना है। थोड़ा सा चलाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले जैसा लगता था। अभी मौसी को ही पता होगा सर्विसिंग, उसने सर्विसिंग किया है या नहीं, लेकिन सर्विसिंग करना चाहिए समय समय पर, तभी गाड़ी अच्छा रहता है और आपको भी साथ देगा वो गाड़ी ने। जो समय समय पर उसको सर्विसिंग नहीं करेंगे तो वो भी साथ छोड़ देगा, तो ऐसा भी है। पूरा पहुंच गया हूँ, अभी देखिए, ये देखिए हम यहाँ पे थाना है, अभी यहाँ पे डीलर है, यही डीलर है। ओ चेट, अभी वीडियो को ऑफ करता हूँ। मौसी और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे जिला का लोग भी है। अभी क्या है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आप लोगों को बता देता हूँ, जो पहले वाला EMI है वो काट लिया, और दूसरा वाला EMI वो नहीं काट पा रहा था। तो क्या है कि बैंक में जो डिपॉजिट है वो थोड़ा कम था, अभी फिर से उसको उसमें डाल दिया, और क्या कि जो
EMI है वो 3 तारीख से वो कटता रहता है। अभी क्या है, पहले नहीं था और बाद में 1 तारीख को फिर से भरा दिया था, अभी इसलिए तो काट नहीं पड़ा था। अभी क्या है, यहाँ पे जो डीलर का लोगों ने बोला है कि ऑनलाइन करने के लिए बोला है, तो हमारा घर के पास ही एक दुकानदार है, वहाँ से वहाँ पे हम जाके और जितना भी हमको पे करना पड़ेगा वहाँ पे हम पे कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अभी है नहीं, उन लोगों ने बोला है। तो अभी मौसी ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो उनका गाड़ी है ना XL 100, वहाँ पे वो नंबर प्लेट को लगाएंगे। अभी ये लोग भी इनका जो फॉर्मेलिटी है वो भी कर रहा है। अभी हम कुछ तो यहाँ पे आ गया, तो काम में तो आ गया। अभी जो नंबर प्लेट गाड़ी में लगाएंगे और फिर जाएंगे घर में। ये रनो पूरा स्मार्ट है अभी इस कामों में। ये देखिए किस तरह की सुई ये भी लगाएगा। अभी हम यहाँ से निकल चुका हूँ, अभी जाऊँगा घर। यहाँ पे जितना भी काम था अभी हो गया है। गाड़ी कहाँ है? तो सामने अभी थाना है, तो पास ही यहाँ पे कॉलेज है, मैं यहाँ पे पढ़ा था। तो 2 साल मैंने यहाँ पे पढ़ के गया हूँ। और जब मैंने यहाँ पे कॉलेज आ रहा था, 2 साल मैंने यहाँ पे जो पढ़ाई किया था, अभी 2 साल मैंने यहाँ पे साइकिल से यहाँ पे आया था। जो मेन काम था वो तो हुआ नहीं। अभी हमारा घर के पास एक दुकान है, वहाँ पे कर लूँगा और यहाँ से जाता हूँ। और नंबर प्लेट तो लगा लिया और RC बुक के लिए हमको यहाँ पे लोगों ने बोला है कि DT ऑफिस जाने के लिए, तो हम ये काम यहाँ पर ही कर दूँगा। तो मौसी इतना जानता नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में, तो हम भी पहले जानता नहीं था, अभी धीरे धीरे हम जान गया हूँ कि मासी थोड़ा वो इतना लिखा पढ़ा भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कौन सा काम कहाँ पर होता है कहाँ नहीं ऐसा कुछ। ये गाड़ी ऐसा है कि आप 50 से आप हो जाएंगे तो पूरा गाड़ी काटता है। और अच्छा है, आप मुझे ये गाड़ी अच्छा लगता है, इसलिए आप कुछ सामान लेके बाजार जाएंगे तो बहुत सारा लूट ये उठा सकता है और ले भी जा सकता है, इसलिए गाड़ी अच्छा है। तो लोगों को क्या है कि मोबाइल के सामने उन लोग आने में डरते हैं और पीठ पीछे पूरा बुराई करते हैं, हंसते हैं, और मोबाइल को हम सामने से उसको दिखा देता हूँ वो पूरा पानी पानी हो जाता है। हमको फिर से जाना पड़ेगा राइट में, थोड़ा सा ब्रेक की कमी है यहाँ पे, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा अभी इस तरीके से। हम जितना हो सके जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और घर में बहुत सारा हमको काम है, और मामी भी घर में नहीं है आज, और पापा भी मंदिर गया है, और मंदिर में आज सोमवार को होता ही है शिव का कुछ भक्तों मिल करके, और भी है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, तो आप लोग को जब भी नया रोड आप लोग को मिल जाए, अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं, तो मिल जाए आप लोग थोड़ा धीरे धीरे जाइए। तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ कहाँ पर बड़ा गड्ढा है, तो छोटा गड्ढा है आप लोग को मालूम नहीं होगा ना, और कहाँ पे टर्न होता है, कितना टर्न होता है, ऐसा बहुत कुछ। तो इसलिए आप लोग को धीरे धीरे जाना ही अच्छा है, खुद के लिए भी, आपको भी, आपका भी सेफ्टी होगा और दूसरे का भी। ये देखिए हाँस रोड में उस नूर को क्या मिला है, देखिए पैसा देना पड़ेगा मारूंगा तो, और पब्लिक का धुलाई खाना पड़ेगा, इसलिए हम अभी धीरे धीरे
जाना ही बेहतर है। और पास में मौसी भी है और हम ज़रा तेज़ चलाएंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहा हूँ। थोड़ा तो स्पीड है, इतना भी नहीं, थोड़ा कम। फिर से हमको यहाँ पे स्पीड ब्रेकर मिल गया है। सो फाइनली मैं दुकान पहुँच चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा कुछ काम, क्या होगा देखता हूँ। तो भाई ये है, भाई का दुकान यही है। तो देखिए, तो पहले हमने ईएमआई दिया, अभी हम निकाल रहे हूँ पैसा थोड़ा सा। तो पैसा भी हो गया, बोल रहे पूरा ओके। अभी हमने यही पैसा भाई को दिया था, यही पैसा हमको लौटा दिया। ओ शिट। तो अभी क्या मेरे साथ क्या कांड हुआ है आप लोग को पता है, जो मैं ज़्यादातर बाइक ही चला रहता हूँ, तो अभी ब्रेक मारना मैंने भूल गया था। तो अभी मैंने कौन सा ब्रेक मारा आप लोगों को पता है, जो पैर वाला ब्रेक मारा। तो इसी ब्रेक का सामने मैं पैर को पूरा दबा रहा हूँ, ब्रेक नहीं है। तो फटाक से मैंने याद में आ गया कि अभी मैं एक्सेल 100 चला रहा हूँ। तो देखिए ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ओ मुड़ गया, उस रोड पे क्या कर रहे हैं। ओ, ओ तो फाइनली घर आ गया।